ਇੱਕ ਰਾਗਣੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ, ਨੰਬਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੱਟ ਮਹਿਰ ਸਿੰਘ ਕੀ। ਸਾਸ ਨੇ ਨਿਕਾਲ ਦਿਆ ਔਰਤ ਕੇ ਦੋ ਠਿਕਾਣੇ, ਪੀਹਰ ਔਰ ਸਾਸਰਾ। ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਕੇ ਪਾਸ ਗਈ ਔਰ ਸਾਰੀ ਹਾਲਾਤ ਬਤਾਈ ਮਾਂ ਕੋ, ਕਿ ਮਾਂ ਮੇਰੇ ਪਵਨ ਪਤੀ ਮੇਰੇ ਦੁਹਾਗੀ ਮਹਿਲ ਮੇ ਆਏ ਔਰ ਉਸ ਰਾਤ ਕੇ ਮਿਲਣ ਸੇ ਮੈਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਈ ਔਰ ਮੇਰੀ ਸਾਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਤੋਹਮਤ ਲਗਾ ਕੇ ਔਰ ਘਰ ਸੇ ਨਿਕਾਲ ਦਿਆ। ਮੇਰੇ ਗਰਭ ਮੇ ਜੋ ਖੂਨ ਹੈ, ਜੋ ਆਸ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਵਨ ਪਤੀ ਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਸਜਣਾ, ਉਸਕੀ ਮਾਂ ਕੇ ਵੀ ਆ ਬਾਤ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜੱਸੀ ਨਹੀਂ। ਨੂੰ ਬੋਲੀਏ ਬੇਟੀ, ਕਿਸ ਖਾਨਦਾਨ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰੀ ਥੀ, ਕਿਤਨਾ ਬੜਾ ਖਾਨਦਾਨ ਹੈ, ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਬਾਤੇਂ ਹੋਤੀ ਹੈ ਔਰ ਮਨੇ ਤੋ ਐਸਾ ਲਗੇ ਤੇਰੀ ਨੀਤ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖੋਟ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਸਕੀ ਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਉਸਕੀ ਬਾਤੋਂ ਪਰ, ਔਰ ਉਸਨੇ ਵੀ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸਕੋ ਘਰ ਸੇ ਨਿਕਾਲ ਦਿਆ ਕਿ ਚਲੀ ਜਾ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਯਹਾਂ ਕੋਈ ਠਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਦੋ ਠਿਕਾਣੇ ਔਰਤ ਕੇ ਸਾਸਰਾ ਔਰ ਪੀਹਰ, ਦੋਨੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਸੇ ਦੁਦਕਾਰ ਦੀ ਗਈ। ਅਬ ਚਲ ਪੜਤੀ ਹੈ ਰਾਤ ਅੰਧੇਰੀ, ਕਾਲੀ ਬੋਲੀ ਰਾਤ, ਚਲਤੇ ਚਲਤੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਆਸਮਾਨ ਮੈਂ ਬਿਜਲ ਪਾਟੇ ਬਾਦਲ ਗਰਜੇ ਔਰ ਭਗਵਾਨ ਸੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਅਬ ਤੋ ਮੇਰੀ ਮਾਟੀ ਸੰਗ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਕਹਾਂ ਜਾਊਂਗੀ, ਕੈਸੇ ਜਾਊਂਗੀ। ਤੋ ਇੱਕ ਬਾਤ ਮੈਂ ਉਹ ਅੰਜਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਬਾਤ ਮੈਂ ਕਿਆ ਕਹਿਤੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਆ ਬਤਾਤੀ ਹੈ। ਆੜਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਗੋਸਾਈ ਬਾਤ ਬਾਤ ਈਸ਼ਵਰ ਕੈ ਕਾਲੀ ਪੀ ਰਾਤ ਅੰਧੇਰੀ ਡਰ ਡਰ ਕੇ ਪੀਰ ਸਾਸਰਾ ਨਾ ਖਸਮ ਗੋਸਾਈ ਬਾਤ ਬਾਤ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਆਗੇ ਲਗਾ ਜਾਤੀ ਨਹੀਂ ਬੁਝਾਈ ਚੁਗਲ ਖੋਰ ਔਰਤ ਕੇ ਹੱਥ ਮੈਂ ਦੇ ਗਿਆ ਸਫਲ ਕਮਾਈ ਪਵਨ ਪਤੀ ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਨੇ ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਨਾ ਬਤਲਾਈ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੇ ਉਹ ਚਲਈ ਗੱਡ ਲੰਕਾ ਕੀ ਲੜਾਈ ਜਈਓ ਮਚਨਾ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਮੇਂ ਕਮ ਬੇਸ਼ਕ ਆਈਓ ਫਿਰ ਕੇ ਕਾਲੀ ਪੀੜੀ ਰਾਤ ਅੰਧੇਰੀ ਜੀ ਕਾ ਪੈ ਡਰ ਡਰ ਕੇ
हमारी सृष्टि की रचना हुई, ये लोगो चौदहवा मनु है। चौदहवे मनु में शंभु मनु और शत्रुपा कन्या, हमारी सृष्टि के पहले ये चौदहवे मनु है। ये सबसे पहले ही सृष्टि के शंभु मनु और शत्रुपा कन्या, उसके दो लड़के और तीन लड़की हुई, पर्यावरत और उतानपात, देहुक्ति आहुकुति और प्रसूति, तीन कन्या हुई। बड़े लड़के के नौ पुत्र थे, नौ खंड के राजा हुए। तानपात का कोई संतान नहीं थी, वह सुनीति महलों में बैठी हुई बड़ी खिनमन से परमात्मा के ध्यान में के प्रभु कब मेरा भी वंश चलेगी, कैसे राज चलेगा, इस चिंता में ग्रसित। उसके भाव को जान के त्रिकालदर्शी महाराज नारद मुनि आ जाते हैं कि बेटी क्या बात, महाराजा तो जानते हो कि संतान नहीं है, के बेटी दूसरी शादी करवा दे, राजा की संतान होगी। जन्म बेटे ना मुक्ति मिलती, चाहे लाख वर्ष तक जीले, लक्ष्मी चंद के छंद रसीले, गडरे से किले कोन्या हटते हलाए हो, नार जी के बोल हृदय में समाये हो। इस भाव को लेकर और राजा के पास जाकर न्यो कहने लगी, महाराज जी साजी कराया जानू घर आओ आऊ के क्या करेगी, के घने दिन हो गए, ईसाजी कराया जानू फेट आऊ गांव के रूख देख आऊ, के बहुत बढ़िया मेल है तेरा मेरा और क्योंकर जी लगेगा। लोगों यहां पर मनु समृति ये बताती है कि संस्कार मोल नहीं आते, करोड़ों अरबों रुपया हो जाता लेकिन संस्कार कहीं से नहीं मिलते। माता पिता का पुत्र से, भाई का भाई से, भाई का बहन से, पति का पत्नी से कैसे मेल होना चाहिए, कैसा परिवार इकट्ठा होना चाहिए, फिर कैसे आगे संस्कार होंगे, ये मनु महाराज ने कुछ बातों में कैसे क्या बताया। ए रे उम्र पुराणी तेरे बन्या सती का धर्म बराबर, जति सती का
अच्छे ढंग से अच्छे ढंग से बात करे ओ अक्ल बंद गाना सियाना से मन बुझी जब न्यू बोलिया तेरो सन धोर जाना से सुंदर चेहरा बोल रसिला मेला बेस पुराना से माथे ऊपर तिलक चढ़ारिया ब्राह्मण के साबाना से बालक पुण की यारी का बाल सच्चा सुंदर श्याम बतावे से केरिया भी करे मैं भी जान गई मैं सू किस्मत फुटी की नरी सासन साज करी ना नरी बात झूठी की जिसकी टूट नहीं दरगाह पे ना पेसले बुटी की जिसकी टूट नहीं दरगाह पे ना पेस चले बुटी की दक्के देख काज दई दक्के देख काज दई चली भूत सफर की बरके पियर सासरा फसम गसाई हाथ बात ई सवर के काली पीली रात अंधेरी साल रे ब्रह्मचारी दूर जगर के मैल करे ओ 25 साल रे घरस्ती ऐ तिथि की कैल करे ओ 25 साल रे वान बरस्ती बियाबान में टहल करे ओ 25 साल रे सन्यासी सतलोक में सैर करे आत्म रूप स्वरूप में मिल जा तुमने तीन लोक का भगवन दाता सही बतावे से पर जपलन करता सिया ताता सही बतावे से भरमंडल माया धर्म का खाता सही बतावे से अपना थारा राम भगत का नाता सही बतावे से न्यू बोलिया मैं दर्श करूंगा तन के रसन राम बतावे से खेरा विचर आवन की लखमा काम बतावे से भगवान की जर में के निर्भाग लगाया जा से अलवे दूध खीर मीठे ते के साग लगाया जा से सारस हंस मोर की जर में के काग लगाया जा से पवन पति की शान के दाग लगाया जा से पवन पति पे ना जीऊ ना पवन पति पे ना जीऊ ना सैफ
तेर जन्म लू उम्र के तीर सासरा रख समाई बात बात ही सवर के काली पीली रात नेरी पहले लोगों जीवन शैली कितनी बढ़िया थी। जब तड़के है पत्नी उठती पहले अपनी पति के दर्शन कराया करती, उसके पैर लिया करती, फिर जब भोजन का टेम होवे पहले भोजन खुआ के और उससे थाली में फिर खाना खा कर। जय यो आज यो काम हो जा तो सरोग तक आट नहीं है। अरना दवाई देखो कितनी उम्र लेकर मर जाओ वह कला पछे जागी। घर में तालमेल बढ़िया हो तो सरो गाड़े कैसे क्या बताओ। जती के अगे शक्ति वीर का हर दामो मते नरम रहे। ओ पति जमा जो भोजन जी मैं पतिव्रता का धर्म कहे। ओ पति और सुबह उठ के पति के दर्शन पतिव्रता का कर्म कहे। ओ किसी ने भी भेद पटना भरम भरोटा भर मन बुझी जब न्यू बोलिया ओकर सनजी मेरा प्यारा से थर तरस करे दरवाजे पे खड़ा होया दुख पारा से। मन नजर ताड़ी लिया थारे दर्शन करना चारा। अरे न्यू बोलिया जाके धिए यार सदा माया से बड़ी बड़ाई कर रहा से। तन कृष्ण राम बताव से की बहु देखती नुकर कह मेर मरी तू कुछ किस्मत की एठी बेटी कर काया का देर मरी तू। अपने खुले छोड़ बाछरू मारे घेर मरी तू। जब बुगलाते मरा अपनी आई जुसे मटेर मरी तू। कह जाट मेर संग इस दुनिया ते जाट मेर संग बठा ले हिम्मत कर के तेरा सांसरा
चाचा यो मेरा ताऊ या मेरी मैल टारी से ओ यो मेरा मामा यो मेरा नन्ना या मेरी मैतारी से यो मेरा साला यो मेरा सुसना या मेरी रिश्तेदार लक्ष्मी चंद बिंदु के हेरिया अम कृष्ण के आधार रहे यादगार रही हर दम दिल में धरा रहे चौबार रहे एक मिनट नन्नू न्यारे पचे करिया पसम प्यार रहे एक जगह हम बैठा करते बालक पुण के यार रहे बालक पुणते आज तलका बालक यो हाल तमाम बताओ ऐसे कह रहा भी आवन की चम लोकमा काम बताओ ऐसे टाइम से आयो बोलो।